नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से उमेश राजन आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। अपने हस्तरेखा से यदि आप यह जान लेते हैं कि आप धनी होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, पर यदि कोई लाइन आपको यह बताती है कि जीवन भर आपको धन का सुख अच्छा रहेगा, लाइफ टाइम तक कभी पैसे के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा, तो ये और अच्छी बात है। देखिए, हथेली में भाग्य रेखा को ही धन रेखा कहते हैं। ये जो केतु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है, ये आपकी भाग्य रेखा है। यदि यह भाग्य रेखा, यह धन रेखा यदि व्यक्ति के बाएं हाथ में हो तो उसे पिता के धन का सुख अच्छा रहता है, उसके भाग्य पिता के धन का सुख भोगने का अच्छा रहता है। मेरे दोस्तों, हमेशा एक लाइन याद रखिए कि पिता का कमाया हुआ धन हमेशा जीवन भर काम नहीं आता है, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही जीवन भर पूरा पड़ता है। वो कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि आपके भाग्य में अच्छा कमाने का है? वो कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि लाइफ टाइम तक आपको धन का सुख अच्छा रहेगा? मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा कि ये इस चित्र में ये जीवन रेखा है, ये गोलाकार है, राउंड शेप में है। इस तरह की जो राउंड शेप वाली जो लाइफ लाइन है, ये आपको बहुत कम देखने में मिलेगी। ये राउंड शेप वाली लाइफ लाइन जीवन रेखा जिनके हाथ में होती है, उनको जीवन पर्यंत धन का सुख अच्छा रहता है। ऐसे लोग मिलनसार भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। अब ये देखने का है कि इस तरह की जो गोलाकार जीवन रेखा प्रायः किनके हाथों में देखने में आती है? जिनके हाथ में जो माउंट है वो अच्छे उभरे होते हैं, गद्देदार होते हैं, उनके हाथ में आपको प्रायः इस तरह की गोलाकार जीवन रेखा मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी हथेली चौरस होती है, वर्गाकार होती है, स्क्वेयर टाइप की होती है, उनके हाथ में आपको अक्सर इस तरह की गोलाकार जीवन रेखा देखने में मिलेगी। मेरे दोस्तों, अब आइए जीवन रेखा के बाद मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करते हैं। आप देखेंगे इस फिगर में मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्वत से निकली है, इसे स्वतंत्र मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। ये हेडलाइन जिनके हाथ में रहती है, ऐसे लोग सामान्य लोगों की अपेक्षा जबरदस्त उन्नति करते हैं, इनका दिमाग काफी तेज चलता है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के धनी लोग होते हैं, एक तो वो जो पैसे से पैसा कमाते हैं, और दूसरा ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो नहीं होता लेकिन पैसा कमाने की टेक्निक जबरदस्त होती है। जिनके हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है, उनके पास अपनी फंडामेंटल सोच होती है, और ये अपनी अपने काम करने के ढंग के बल पर समाज में, दुनिया में अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लेते हैं। जिनके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, स्वतंत्र मस्तिष्क रेखा होती है, उनको तरक्की करने से, धनी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके अलावा मेरे दोस्तों, ऐसी मस्तिष्क रेखा जिनके हाथ में दो होती है, मतलब डबल हेडलाइन, जिनके हाथ में डबल हेडलाइन रहती है, कैसे डबल हेडलाइन रहेगी? जैसे कि एक मस्तिष्क रेखा यहाँ पर गुरु पर रस्ते निकली है, दूसरी मस्तिष्क रेखा मान लीजिए जीवन रेखा से ऐसी निकली हुई हो, दो हार्ट लाइन होनी चाहिए, जैसे एक हार्ट लाइन यहाँ पर है, एक हार्ट लाइन ऐसी और हो, और दो लाइफ लाइन होनी चाहिए। ये जैसे कि एक हाथ में यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप में एक लाइफ लाइन बनाई है, और एक दूसरी सहायक जीवन रेखा भी है जिसे हम सहायक जीवन रेखा कहते हैं। मेरे मित्रों, मेरे कहने का आशय यह है कि ऐसे लोग जिनके हाथ में आपको प्रमुख छह लाइनें मिलेंगी, मतलब दो लाइफ लाइन, दो हेड लाइन और दो हार्ट लाइन, जिनके हाथ में इस तरह की छह लाइनें होती हैं, ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनके पास कोई ऐसी कला होती है जिसके बलबूते पर वो इस दुनिया में प्रसिद्धि हासिल करते हैं। जिनके पास
नाम भी होता है, जो इस दुनिया में नाम भी अच्छा कमाते हैं और पैसा भी अच्छा कमाते हैं। जिनके हाथ में ऐसी लाइन होती है उनको धनी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।